हेलो, आप सबका स्वागत है शाइस्ता किचन मेरे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर गोश्त। इसलिए हमें चाहिए 1 कप काजू ग्राइंड करने के लिए, 1 टेबल स्पून खसखस। खसखस जल्दी ग्राइंड होती नहीं है तो उससे ज़्यादा हम लोग करना पड़ेगा आपको। गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मग वाटर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। पानी गोश्त के ऊपर तक आना चाहिए। अब कोई कैश्यू पेस्ट है। अभी हम ऑनियन पेस्ट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए 1 टमाटर लिए है, 2 प्याज लिए है, 4 ग्राइंड कर दीजिए। ग्राइंड करते समय थोड़ा सा पानी डाल दीजिए अच्छे से ग्राइंड होने के लिए। 1 टेबल स्पून तेल लिए है, कोई भी तेल ले सकते हैं आप। उसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरा डालें, उसे भून लीजिए हल्का सा, और फिर उसके अंदर जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल दीजिए। 5 मिनट तक उसे भूनिए जब तक तेल छूटे ना उसका। उसके बाद उसके अंदर 1 कप मलाई फ्रेश क्रीम वो ऐड कर दीजिए। उसे भी अच्छे से मिक्स करके भूनिए। एक टेबल स्पून गरम मसाला डाल दिया। यहाँ पे हम मैगी बॉईल कर रहे हैं मटन के स्टॉक में, जो मटन हमने बॉईल करने रखा था उसके लिए मटन का स्टॉक साथ में डाल देना। ऐसे भी अच्छे से मिक्स करके फिर मटन जो बॉइल्ड हो चुका है अच्छे से गलने देना। मटन वो बॉइल्ड मटन ऐड कर दीजिए। उसके बाद कैश्यू पेस्ट, जो काजू का पेस्ट हमने बनाया था खसखस के साथ, वो डाल दीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 5-10 मिनट और पकने दीजिए। वन थर्ड कप हमने दूध लिया है, उसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए सबके साथ। दूध एंड में डालना थोड़ा। ये 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा और भूनने दीजिए मसाले को। 2 अंडे लिए हमने, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और कोथमीर डाल दीजिए और बीट कर लीजिए उसे। एक पैन में 1 कप या उससे कम ऑयल गरम करने रख दीजिए। ऑयल गरम होना चाहिए बहुत ज़्यादा, 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा गरम रहना चाहिए। एक पॉट में हमने डब्बा गोश्त निकाल लिया है, अभी उसे सजा रहे हैं टमाटर कैप्सिकम से और काजू से, काजू के पीसेस से। ऑप्शनल है, अगर आपको टमाटर कैप्सिकम नहीं चाहिए तो मत करिए।
हमने जो बीट करके अंडा रखा था उसे अच्छे से हर जगह फैला लीजिए ऊपर से। अब वो गरम तेल जो किए थे वो डाल दीजिए ताकि अंडा पक जाए। तेल गरम रहना चाहिए अच्छा, और तेल अगर आपको नहीं चाहिए तो निकाल भी सकते बाद में।